राम राम दोस्तों, आर आर एम मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज गए 9 और मैं जा रहा हूँ दौरे वाले खेत में। आगे लक्ष्मी गई है खेजड़ी का लौंग लेने के लिए। वो खड़ी है उस खेजड़ी पे, आपको दिखाई दे रही। एक नीचे बकरा खड़ा है, कुछ बकरियाँ खड़ी है और वहीं पर लौंग उतार रही है। तो मैं भी जा रहा हूँ पीछे, देखते हैं कितना लौंग होता रहा है, फिर लेकर आऊँगा वापस। तो आप वीडियो बने रहिए और मेरे साथ वीडियो का आनंद लेते रहिए। और ये देख लीजिए, खेजड़ी पर अब सांगरी तो नहीं लगी है, फिर भी निमजर बहुत आई है। दोस्तों, अभी आ गए हमें इस बाड़े में और आज पक्षियों के लिए वो परिंडा सही करना है, पानी वाला, क्योंकि पानी की बहुत ही ज़रूरत रहती है। इस समय गर्मी बढ़ गई है तो पक्षियों के लिए पानी इसमें डालते हैं। तो इस बाड़े को खोल दिया, ये पशु है ये पी जाते हैं। तो इस पानी वाली कुंडी को यहाँ से हटाऊंगा। इतने दिन तो ये यहाँ पर थी, अस्थाई व्यवस्था, क्योंकि बहुत दिन हो गए सबूतरा हमने हटा लिया। तो अब इसको वहाँ पर ठंडी साया में ले जाके व्यवस्थित करूँगा, फिर इसमें पानी भरूंगा। तो पहले मैं इसको रख देता हूँ। तो इस कुंडी को यहाँ पर रख कर एक बार भर दिया पानी से और ये अस्थाई व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। इस पिलर के ऊपर रख दिया और यहाँ पर हमेशा पानी डालेंगे पक्षियों के लिए। वहाँ पर थी पहले, तो वहाँ पर क्या अब बकरियाँ वगैरह इस पानी को पी जाती है। दाना डालने का तो कार्यक्रम अभी तक वहाँ पर ही है, क्योंकि सबूतरा पहले यहाँ था उसको हटा दिया और अभी तक मुहूर्त नहीं है सबूतरा बनाने का। तो इसीलिए अस्थाई रूप से व्यवस्था की गई है और ये पानी इतना इस बाल्टी में बस गया है। इसको कहीं और उन पौधों में लगा देंगे और पौधे भी देखिए कितने हरे भरे हो गए हैं, एकदम सारी नई पत्तियाँ की फुटान हो गई है, देख लीजिए। इस पौधे को मैंने 3 साल बाद उखाड़ कर ट्रांसपोर्ट किया था, पहले वहाँ पर था। ये बेल पत्र वाला वही पौधा है पहले आप जो देखते थे, इसको 3 साल बाद ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर लगा दिया, लेकिन फिर भी ये हरा भरा हो गया, इसकी ज़्यादा जड़ें टूटने नहीं दी। चलिए दोस्तों, तो आगे ब्लॉग में और क्या काम होता है वो दिखाएंगे। और आप भी अपने घरों के आस पास जहाँ तक हो सके बेजुबान पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था अवश्य करें। तो मिलते हैं आगे ब्लॉग में और क्या काम होता है वो भी दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ इस टांके पर, ये जल कुंड, इसमें जो पानी निकालने आती डोली होती है ना बाल्टी, वो गिर गई इसके अंदर। तो बच्चों को पानी निकालने में परेशानी हो रही थी, मैं जा रहा हूँ उसको बाहर निकालूँगा। ये हमारे यहाँ पर 2-3 जल कुंड बने हुए हैं। ये प्राकृतिक जल कुंड है, इसको जो बेर की झाड़ियाँ होती हैं उनकी टहनियाँ काट कर ऊपर से ढका जाता है। तो इसमें पानी बहुत ठंडा रहता है, एकदम फ्रीज के समान। ये देख लीजिए, इसमें अभी पानी तो थोड़ा ही बसा है, ये देख लीजिए। पहले ये पूरा भरा हुआ था और इसमें पानी आने की जगह भी बहुत है, एकदम मिट्टी वगैरह डाल के बनाई हुई है। इसको बिल्कुल साफ रखते हैं सारों और बाड़ बनाई हुई है, बड़े पशु अंदर नहीं आते। फिर भी जो भी कचरा होता है वो बरसात आने के समय इसको एकदम साफ करके बाहर डाल देते हैं। और ये जो दरवाज़ा ये लगा देते हैं और सारों और ये पट्टियाँ लगा के तार खींची हुई है और यहाँ पर 3 टांके है। तो इनमें पानी बरसात के मौसम में एकदम भर जाता है और फिर बाद में साल भर पीने काम आता है। ये देख लीजिए कितना सुंदर है, एकदम एकदम प्राकृतिक जल स्रोत जलकुंड। तो हमारे यहाँ गांवों का कल्चर ही एक अलग ही तरीके का होता है। तो चलिए मैं निकाल देता हूँ पहला डोली को बाहर, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार देख लीजिए, इस बांस की सहायता से, ये इतना लंबा बांस है, इसको अंदर डाल के ये 3 बाल्टी मैंने अंदर से बाहर निकाली है।
अंदर गिरती गई और घर से फिर लाते रहे ऐसे करके सभी बाल्टियाँ अंदर डाल दी, क्योंकि रस्सी थोड़ी बहुत टूटी हुई है इसीलिए इसको अंदर डाल दिया। तो इनको अब मैंने निकाल दिया बाहर और अब चलता हूँ घर, आगे जो भी होगा आपको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों दिन में एक बज गए और अब खाना हाजिर है। खाने में आज गेहूँ की रोटी और ग्वार फली की सब्जी बनी है और साथ में बिलोने की सास। तो आ जाइए, सबके लिए खाना हाजिर है। तो दोस्तों अभी शाम का समय हो गया, सब बज गए लगभग और मैं आटा पीस रहा हूँ। इसमें बाजरे का आटा है और इसमें पशुओं के लिए दलिया है इसमें, और उसमें तो आटा पीसने के बाद वीडियो करूँगा एडिट, फिर अपलोड करूँगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर न्यू है चैनल की सदस्यता लेकर घंटे का बटन अवश्य दबा देना, तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलेंगे कल फिर एक और न्यू ब्लॉग के साथ। आप सभी को राम राम, नमस्कार, कमागणी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।